कि जरूरी मुद्दा नक्की करो, तो विचार विस्तार का दूसरा मुद्दा है कि जरूरी मुद्दा नक्की करो और तेना 8-10 लीटीनो विचार विस्तार करो। उसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम विचार विस्तार लिखते हैं उसको बड़ा बहुत बड़ा बड़ा करके नहीं लिखना है, बढ़ा बढ़ा के उसको थोड़ा 8-10 वाक्य में ही लिखना होता है। उसका मतलब क्या होता है कि उसको देखने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि उसके बारे में उसको समझ में आ गया है, इसीलिए उसके 8-10 लाइन में विचार विस्तार लिखना होता है। उसके बाद क्या करना है कि जरूरी जरूर जणाए त्या दृष्टांत आपो कहवत पंक्ति पण नो पण उल्लेख कर सकाय से। विचार विस्तार लिखते हैं तब हम क्या देखना होता है कि कोई दृष्टांत भी दे सकते हैं, या तो उसके बारे में कोई पंक्ति लिख सकते हैं, उसके बारे में कोई कहवत बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और दृष्टांत देते हैं तो क्या उसका उनसे हमारी है ना प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसको लगता है कि उसको उसके बारे में ज़्यादा समझ में आ गया है, इसीलिए हमें उसको दृष्टांत देना है। तो माने को कोई पंक्ति लिख सकते हैं, कोई कहवत भी उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई सुख दुख के बारे में हो, कोई माँ के बारे में हो, कोई देश के बारे में हो, क्या या तो परिश्रम के बारे में हो, कुछ भी हो ऐसा हो तब हमें उसके बारे में कोई पंक्ति अच्छी लिख सकते हैं, उसके बारे में कोई कहवत लिख सकते हैं, तो उनसे हमारा विचार विस्तार का मूल्य बढ़ जाता है। और उसके बाद हमें चौथा मुद्दा क्या ध्यान में देना है कि महत्वनी बात खास लखो, जो उसके बारे में मेन बात है वही तो भूलना ही नहीं है। विचार विस्तार करने बैठे हैं तो उसका मतलब ये कि हम विचार विस्तार के जो मेन बातें है वो तो खास ही लिखनी है, कि उसमें का परिश्रम का महत्व दिखाया है, या तो उसके बारे में कोई देश सेवा के बारे में दिखाया है, या तो कोई स्त्री का मान सम्मान की बात बताई है, वही हमें ध्यान रखना है। और